हेलो स्टूडेंट्स हाय एंड वेलकम टू अन अकेडमी सेपियंस एंड सैटरडे को होता है एक मजेदार सा क्विज स्टूडेंट्स और आज का टॉपिक है द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टूडेंट्स इससे पहले कि इस मजेदार से बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्विज को स्टार्ट करें सबसे पहले बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू बिल्कुल परफेक्ट चलिए स्टूडेंट्स कम ऑन एक बार एक बार जल्दी से ये बता दीजिए सर एक बार जल्दी से ये बता दीजिए इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट ओके सर और लिंक्स को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए लिंक्स को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए सर तो मजा आ जाएगा बिल्कुल ओके okay, सर ऑन तो यार अब मैंने लिंक्स को शेयर कर दिया है सभी जगह अब आप लोग भी सर यही काम कीजिए एक मिनट स्टूडेंट्स ओके डन एवरीथिंग इज परफेक्ट हाई ब्यूटी विश्वास पूजा गुप्ता सतीश कांत वेलकम सभी लोगों का स्वागत है और आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है इससे पहले की कुछ लोग और ज्वाइन करे स्टूडेंट्स याद देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे अन अकेडमी प्लस के नए बैचेस के बारे में स्टूडेंट एक बैच है ये है हमारा प्रैक्टिस लास्ट ट्वेंटी बैच है ऑफ द मार्च से स्टार्ट हो चुका है इसके लिए स्टूडेंट्स आप जरूर एनरोल करें एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक फाइनल लीव फॉर 2021 ये भी स्टूडेंट एक 90 डेज का रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोर्स है ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 24th ऑफ द मार्च स्टूडेंट सारे कोर्सेज बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और जब भी आप अन अकेडमी के लिए सब्सक्राइब करते हो स्टूडेंट्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको केवल एक पार्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यू आर गोइंग टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास दैट इज टेकिंग प्लेस फॉर द निट यूजी सेगमेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्राइसेज बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप निट ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चूज दिस थ्री मंथ प्लान नाउ स्टूडेंट यो प्राइस है सेवेंटीन बट स यू यूज दिस प्यारा सा कोड आरके स लाइव जो प्राइसेस होते हैं स्टूडेंट्स वहां पे टेन परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलता है उसके अलावा जब भी स्टूडेंट्स आप अन अकेडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस करते हैं तो वहां पर भी आपको क्रेडिट स्कोर्स मिलते हैं उनको भी आप जरूर इस्तेमाल किया कीजिए चलिए स्टूडेंट्स अब आज के क्विज को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बट सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और वो भी करेक्ट आंसर आपका नाम लिया जाएगा साउट आउट में ओके okay? तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर टुडे ये आ गया बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है कम ऑन एवरीबडी लेट्स आंसर दिस बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते भाई कितने लोग इसे बना पाते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं एक एग सेल है विच इज फाइव पिकोग्राम ऑफ द डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस एग सेल के बारे में दिया हुआ है हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन इट्स एनिमल एट द एंड ऑफ द जी टू फेज ऑफ माइटोसिस ओके सर तो ऑन आंसर मी दिस क्वेश्चन ऑन स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबडी तो कुछ तो आंसर्स आ रहे हैं सर कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं बट ये सही हैं या गलत हैं ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है देखिए ये जो एक्स सेल है सबको पता है स्टूडेंट एक्स सेल क्या होता है एक्स सेल इज अप्लॉयड तो स्टूडेंट्स अगर हेप्लॉयड के पास फाइव पिकोग्राम है अगर हेप्लॉयड के पास फाइव पिकोग्राम है सो तो आप यहां एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो नॉर्मल पेरेंटल सेल होगा यहां पर जो नॉर्मल पेरेंटल सेल होगा दैट इज गोइंग टू बी 2n एंड दैट विल बी इक्वल टू द टेन पिकोग्राम बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये पेरेंटल सेल का माइटोसिस हो अगर इस पेरेंटल सेल का माइटोसिस हो तब आपसे पूछा गया है एट द एंड ऑफ द जी टू फेज तो एवरीबडी नोज स्टूडेंट कि माइटोसिस में जब हम एस फेज में जाते हैं तो ये डीएनए तुम्हारा डबल हो जाता है तो स्टूडेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एस फेज तब ये टेन से क्या हो चुका होगा 20 हो चुका होगा तो ऑब्वियस है G2 फेज में भी आपके पास कितना पिकोग्राम होगा तो आंसर बिल बी द डी नंबर ट्वेंटी पिकोग्राम। तो दिस वॉज अ बेहतरीन सा क्वेश्चन और स्टूडेंट हमेशा निट में इस एरिया से क्वेश्चन हमेशा आता है कि डीएनए कब डबल होता है कब हाफ होता है तो इस पर जरूर ध्यान दिया कीजिए ओके एवरीबडी अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एवरीबडी ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेल साइकिल जो ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनका सिंथेसिस किस फेज में होता है विच फेज इज गोइंग टू कैरेक्टराइज द सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन ओके एवरीबडी कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन तो दिस इज अजी क्वेश्चन दिस इज अ रियली अजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स सो मस्ट बी नोइंग देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है स्टूडेंट इसका यूज कहां पे करते हो तो हिस्टोन प्रोटीन इज यूज फॉर द डीएनए पैकेजिंग ये सबको पता है कि भाई डीएनए को जो पैकेज करना होता है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है अब डीएनए पैकेजिंग की जरूरत कब पड़ेगी जब आप डीएनए का सिंथेसिस करोगे तो एवरीबडी नोज कि डीएनए का सिंथेसिस कब होता है तो एस फेज में होता है तो अगर एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, इसी समय आपको हिस्टोन्स की भी जरूरत पड़ने वाली है एंड एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ऑप्शन नंबर ओके, वेरी वेरी गुड लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर गो फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है इन बिच फेज द प्रोटीन्स फॉर द स्पिंडल फाइबर ओके दे आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज किस फेज में स्पिंडल फाइबर वाले प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है इन बिच फेज द प्रोटीन्स फॉर द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सो स्टूडेंट्स यू शुड नो दिस यू शुड नो दिस कि हमारा जो स्पिंडल फाइबर है स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए तो सबको पता है कि वी नीड द टिब्यूलिन प्रोटीन एंड स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफेज तो प्रोफेज जस्ट स्टूडेंट जी टू के बाद आता है तो इसका मतलब है कि जी टू फेज में टिब्यूलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स द आंसर हेयर इज गोइंग टू बी द जी टू फेज ओके तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि G2 फेज में टिबुलिन का सिंथेसिस होता है क्योंकि जस्ट इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव द प्रोफेज जहां पर के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा ओके सर वेरी वेरी गुड नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर इस क्वेश्चन को देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा जल्दी से स्टूडेंट इसका आंसर बताइएगा द डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल ड्यूरिंग बिच फेज ओके सर सो है आंसर तो देखिए जिस फेज में ना स्टूडेंट आपका डीएनए डबल होता है उसी फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है तो डीएनए डबलिंग कौन से फेज में है एस फेज में है द सेम फेज विल बी फॉर द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑल्सो रखिएगा कि डीएनए डबल पूछे या सेंट्रियोल को डबल करने बोले ऑलवेज द एंडस विल बी द एस फेज ओके वेरी गुड सर नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स गो फॉर दिस ओके सर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द माइटोसिस द एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द न्यूक्लियोलस दे बिगिन टू डिस एट बिच फेज ओके स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिस एट बिच फेज कम ऑन जल्दी से जल्दी से स्टूडेंट्स मेरे को इसका आंसर बताइए लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर Let me see how many of you are giving the correct answer here. Okay sir, very very good. So nice answers coming up. देखिए, जितना भी चीज़ प्रोफेज़ है ना, that is a very very long phase. तो हम लोग उसे early prophase और late prophase में start करते हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी चीज को जब स्टार्ट करेंगे तो उसे अर्ली प्रोफेज में करेंगे और किसी भी चीज को जब कंप्लीट करेंगे तो उसे लेट प्रोफेज में करेंगे तो क्वेश्चन पूछा कि माइटोसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस दे बिगिन टू तो दे बिगिन टू डिस तो आंसर विल बी द अर्ली प्रोफेज और यही क्वेश्चन अगर पूछता दैट दे कंप्लीटली डिसपियर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर ओके सर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा क्वेश्चन है द सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदउट इंट्रक्शन आपको बताना है कि सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन कब कब आप श्योर हो जाएंगे कि ये सेल का अब माइटोसिस पक्का और पक्का होगा वेन यू आर गोइंग टू बी सियोर फॉर दिस वेन यू आर गोइंग टू बी सियोर फॉर दिस एवरीबडी ऑन गिव मी द करेक्ट आंसर हियर ओके ओके वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है ना कि अगर कोई भी सेल जीवन फेज में है ध्यान दीजिए अगर कोई भी सेल जीवन फेज में है तो इसके पास दो रास्ते हैं। आइदर इट कैन गो टू द जी नॉट फेज और यहां पर जाकर आराम से सो सकता है और इट कैन गो इन टू द एस फेज ठीक है तो जब तक ये सेल जीवन फेज में रहेगा ना आई एम स्टिल कंफ्यूज कि वेदर इट विल गो टू जी नॉट और वेदर इट विल गो टू द एस फेज लेकिन एक बार सेल एस फेज के अंदर चला गया रेप्लीकेशन फॉर्क बन गया डीएनए रेप्लीकेशन स्टार्ट हो गया मतलब डीएनए डबलिंग होने वाला है ऑब्वियसली नाउ द सेल डिवाइड So, student, once the cell is in the S phase, okay, so, let us see that once it has entered into the S phase, now, student, I am almost certain that yes, this cell will pakka and pakka divide, okay. So, students, let us pick up the, again, the next question on the screen here, go for this one, okay. Which one of the following statement is not correct?

आंसर दिस क्वेश्चन जी नॉट फेज जी नॉट फेज ऑब्वियसली आप थोड़े देर के लिए सेल साइकिल को क्या करते सस्पेंड कर देते हैं सो so, स्टूडेंट्स इस समय आपका जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा द सेल इज नॉट गोइंग टू प्रोलिफर न्यूरॉन्स जो होते हैं सबको पता है स्टूडेंट्स की ये नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं तो दे आर इन दी नॉट फेज दे रिमेन मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं सर फेज में जब आप रहते हो नो no डाउट जाता है लेकिन इनएक्टिव नहीं होता है मेटाबॉलिज्म इज स्टिल देयर यू आर स्टिल अलाइव तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है ओके एंड नॉर्मली ऐसे सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं जो कि डिफ्रेंसिएट हो जाते हैं वो डिवाइड करना पसंद नहीं करते हैं तो दैट सेल गोइंग टू एंटर द मेटाबोलिकली एक्टिव हेयर ओके सर वेरी वेरी गुड नाउ लेट्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गो फॉर दिस क्वेश्चन को देखिए प्लांट सेल हैज 12 chromosomes at the end of the mitosis. Okay, sir. How many chromosomes would it have in the G2 phase of its next cell cycle? So, very interesting sa question. a plant cell. It has 12 chromosomes at the end of the mitosis. How many chromosomes would it have in the G2 phase of its next cell cycle? Come on, answer this question. Come on students, answer me this question. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सर जल्दी जल्दी आंसर कीजिए वेटिंग फॉर योर आंसर्स ओके देखिए सर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है सबको पता है कि अगर मान लो कोई भी सेल 2n है 2n है और ये 2n एन इक्वल टू ट्वेल्व है मान लीजिए और ये सेल अगर माइटोसिस शो करता है अगर ये सेल माइटोसिस शो करता है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोइंग फॉर व्हाट दिस इज ऑल्सो गोइंग फॉर टू एन इक्वल टू ओनली तो अगर क्वेश्चन बोला है दैट एट द एंड ऑफ द माइटोसिस इट इज दैट मींस पेरेंटल सेल के पास भी ट्वेल्व प्रोमोजोम ही अवेलेबल थे नाउ अगर मान लो ये सेल दोबारा माइटोसिस शो करता है तो G2 फेज तो भाई G2 फेज आपको पता है कि S फेज में केवल डीएनए डबल होता है क्रोमोसोम डबलिंग so, नहीं होती है तो जब क्रोमोसोम डबलिंग नहीं होती है तो इट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन 2n इक्वल टू 12 सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी नंबर दैट इज द 12 तो होप एवरीबडी अगेन गॉट द आंसर हियर दैट आंसर विल बी 12 ओनली ओके सर, वेरी वेरी गुड नाउ लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन हियर कॉलकीची जो कॉलकीचीन होता है दिस अरेस्ट्स द सेल डिवीजन एट बिच फेज किस फेज में सेल डिवीजन को ये अरेस्ट कर लेता दिस इज कॉल्ड द माइटोटिक क्विजन तो आखिर ऐसा इसमें क्या है कि हमारा सेल डिवीजन एक पार्टिकुलर फेज पे रुक जाता है कम ऑन स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन सो वी आर गेटिंग द आंसर्स अगेन वेरी गुड बिपिन कुमारिया पटेल बियंटन सरस्वती अंशुल सब सो so, स्टूडेंट्स जो ये कॉल की चीन है सबको पता होना चाहिए कि दिस इनिविट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन ये तुम्हारा स्पिंडल फॉर्मेशन को इनिविट करता है तो अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो स्टूडेंट्स आप मेटाफेस से आगे नहीं बढ़ पाओगे बिकॉज क्रोमोजोम्स को ड्रैग करने के लिए उसे पुल करने के लिए यू नीड द स्पिंडल फाइबर्स दैट्स वाई द सेल साइकिल विल गेट अरेस्टेड इन द मेटा फेस ओके अगेन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी गो फॉर दिस क्वेश्चन मार्क द इन करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट आपको इनकरेक्ट लगता है मैं थोड़ा हट जाता हूं सर आराम से क्वेश्चन रीड कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जल्दी से स्टूडेंट्स पिकअप द आंसर जल्दी से स्टूडेंट्स पिक अप द आंसर दैट दिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको यहां पर बिल्कुल गलत लगता है बिल्कुल गलत लगता है तो चलिए सर थोड़ा देखते हैं माइटोसिस इन द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल ऑबियस है सर जो माइटोसिस होता है जो डॉटर सेल्स बनते हैं क्रोमोजोम नंबर हो या अमाउंट ऑफ डीएनए हो उसमें आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट कोई क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है यहां पे So student, sir, तो स्टूडेंट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू आपका ग्रोथ हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द हाइपर प्लेसिया तो यस yes, सर ये स्टेटमेंट भी सही है माइटोसिस रिजल्ट इन द डिसबैलेंसिंग ऑफ द न्यूक्लियो साइटोप्लाजमिक रेशियो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि हम लोग आखिर माइटोसिस करते क्यों हैं? होता क्या है कि जब भी किसी भी सेल में एन बाई सी रेशियो डिस्टर्ब होता है एन बाई सी रेशियो डिस्टर्ब होता है तो वी वॉन्ट टू रिस्टोर वी वॉन्ट टू रिस्टोर इट हम चाहते हैं कि एन बाई सी रेशियो मेंटेन रहे तो याद रखिए माइटोसिस के कारण से एन बाई सी रेशियो रिस्टोर होता है डिसबैलेंस नहीं होता है तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज द सेल रिपेयर ऑब्वियसली कहीं पर भी सेल डैमेज होता है आपको उसे रिपेयर करना है यू नीड द आइडेंटिकल सेल्स यू विल नीड द माइटोसिस तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट एंसर ओके सो थर्ड नंबर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओके एवरीबडी लेटर्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर लेटेस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट गो फॉर दिस प्यारा सा क्वेश्चन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन उट द साइटो इन द एनिमल सेल एनिमल सेल में साइटोकाइनसिस कैसे होती है साइटोकाइनिस इन द एनिमल सेल सबको पता है कि एनिमल सेल के पास किसी भी प्रकार का सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है तो रिजिडिटी नहीं है और जब रिजिडिटी नहीं है स्टूडेंट तो सेल मेम्ब्रेन इज हाईली फ्लेक्सिबल और हाईली फ्लेक्सिबल होने के कारण से ये आराम से बाहर से स्टूडेंट एक फ्यूरो बना सकता है एंड दिस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग तो स्टूडेंट आप देखिए कि बाहर से अंदर की तरफ बाई द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट वन एंसर हेअर विल बी द फर्स्ट वन वेरी वेरी गुड सर स्टूडेंट्स तो एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आपको दिखाया गया है डायग्राम दिस इज वन ऑफ द सेल साइकिल और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम है स्टूडेंट ये आखिर किस फेज को इंडिकेट करता है विच फेज इज इंडिकेटेड बाई दिस डायग्राम हेयर कमल एंसर मी दिस प्यारा सा क्वेश्चन एवरीबडी एंसर मी दिस प्यारा सा क्वेश्चन कम ऑन एवरीबडी वेरी वेरी गुड वी आर गेटिंग सम एंसर्स बट अंसुल गुप्ता अंसुल गुप्ता वॉट द एंसर यू आर गिविंग अंसुल गुप्ता प्लीज चेक यूर एंसर आप देखो यहां पर जो भी क्रोमोजोम्स दिखाए गए हैं सारे क्रोमोजोम्स के पास कितने क्रोमेटेड हैं एवरी क्रोमोजोम इज है टू क्रोमेटेड मतलब अभी बीच में स्प्लिटिंग वाला चीज नहीं हुआ है ठीक है सर जी सो so स्टूडेंट्स आप यहां पे आराम से देख सकते हैं और आप देखिए कि यहां पर जो हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स अभी एक दूसरे के साथ पेयर किए हुए हैं तो स्टूडेंट्स दिस शुड बी बिच फेज दिस शुड बी द मेटाफेज वन अगर ये मेटाफेज टू होता तो स्टूडेंट सेम डायग्राम कैसा होता ऐसा इक्वेटर होता और सारे क्रोमोजोम स्टूडेंट्स इस तरह से बैठे होते मतलब देयर वुड नॉट बी हैविंग एनी पेयरिंग किसी भी प्रकार का पेयरिंग नहीं होता मेटाफेज टू में ओके सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर एवरीबडी

दे गेव दिस टर्म मीओसिस चलिए सर कोई बात नहीं है आई एम आस्किंग यूर क्वेश्चन द टर्म माइटोसिस अगर यही क्वेश्चन में माइटोसिस के लिए पूछू तब क्या आंसर होगा अगर यही क्वेश्चन में माइटोसिस के लिए पूछू तो क्या आंसर होगा ओके सर कम ऑन एवरीबडी कमऑन बी क्विक Me this प्यारा सा क्वेश्चन द टर्म माइटोसिस टर्म माइटोसिस स्टूडेंट ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा ओके सर वेरी गुड संतोष बिस्नोई एक्सेलेंट एंसर फ्लेमिंग यस सर ट दिस टर्म वॉज गिवन बाई फ्लेमिंग ओके सो स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए अबाउट द माइटोसिस एंसर शुड बी फ्लेमिंग ओके वेरी वेरी गुड सर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए देर इज अ बॉय आई थिंक नेम्ड एस रॉयल निंजा जिसने 25 बार एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि सर ए माइटोसिस यूजली अकर सिन थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे कि जनरली ए माइटोसिस कहां पर होता है जनरली ए माइटोसिस कहां पर होता है कम ऑन स्टूडेंट्स एकदम प्यारा सा इतना इजी सा क्वेश्चन आप बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो पूछे जा रहे हो पूछे जा रहे हो ठीक है ओके okay, सर क्वेश्चन अस गो फॉर द बैक्टीरिया ऑब्वियस है ठीक है चलिए आंसर बताइए इसका द इंटर जोनल स्पिडल फाइबर एपियर ड्यूरिंग इंटर जोनल स्पिंडल फाइबर किस फेज में किस फेज में अपियर करता है ओके okay, कमॉन ऑन आंसर दिस क्वेश्चन बिक्विक बिक्विक एवरीबडी ऑन सारे लोग जल्दी से मेरे को यार इसका जवाब बता दीजिए आप लोग ना यार बहुत लेट करते हैं। आप लोग बहुत लेट करते हैं जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए ऑन एवरीबडी नाइज गोइंग अप नाइज गोइंग अपरी वेरी गुड सर तो देखो इंटर जोनल होता क्या है ना जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोजोम तुम्हारा इस तरह से है दिस क्रोमोजोम इज लाइक दिस जब ये बीस से स्प्लिट करेगा तो समथिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिल फॉर्म तो इनके बीच में एक फाइबर अपियर करता है दिस इज कॉल्ड द इंटरजोनल फाइबर एंड स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू अपियर ड्यूरिंग द एना फेज ठीक है ओके सो नाउ लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following stages of the meiosis can last for months to years? Direct line from NCRT in the u sites of some vertebrates. Which one of the following stages of the meiosis can last for months to years in the u site of some of the vertebrates? So, this is a very simple question. So, the answer here will be the diplotene. Answer here will be the diplotene. Okay. स्टूडेंट्स लेट्स पिक द नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजली डज नॉट ड्यूरिंग द माइटोसिस दाइटो आपको बताना है कि के समय इनमें से कौन सा जनरली नहीं होता है प्रोफेस के समय स्टूडेंट्स इनमें से जनरली कौन सा नहीं होता है वेडिंग फॉर योर एंसर्स नाव वेडिंग फॉर योर एंसर्स नाव स्टूडेंट्स कमऑन गो फॉर दिस स्टूडेंट सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए ऑब्बियस है ऑब्बियस है स्टूडेंट दैट स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है प्रोफेस के समय यहां पर लिखा हुआ है द डिजॉल्यूशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर विच इज एक्चुअली द फीचर ऑफ द टीलोफेज ये टीलोफेज का फीचर है दिस इज नॉट द फीचर ऑफ द प्रोफेज ओके सर वेरी गुड ना लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन द क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन द क्रोमोजोम एट एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन बताइए सर कि मियोसिस वन में एनाफेज वन के समय कितने क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोजोम के पास तो देखिए ये जो तुम्हारा एना फेज वन होता है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होता है जैसे कि मान लीजिए में क्रोमोजोम्स इस प्रकार से बैठे हुए थे नाउ दिस मूव इन दिस डायरेक्शन दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन तो व्हाट यू कैन सी कि एनाफेज के समय भी हर क्रोमेटिड के पास हर क्रोमोजोम के पास दो क्रोमेटिड अवेलेबल हैं द आंसर हेयर विल बी द टू एंसर हेयर विल बी द टू ओके चलिए स्टूडेंट नाउ लेट्स पिक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन अगेन नेम द फेज ऑफ द बाई भैलेंट फॉर्मेशन आपको बताना है कि किस फेज में बाई वैलेंट का फॉर्मेशन होता है एंड द फेज वेन द बाई वैलेंट्स आर क्लियरली विजिबल तो स्टूडेंट दो फेज के बारे में पूछा गया है कि किस समय ये बनता है और किस समय ये क्लियरली विजिबल होता है ओके सो नाउ अगेन टेल मी द आंसर हेयर कम ऑन एवरी वन टेल मी द करेक्ट आंसर हेयर वट शुड बी द आंसर जल्दी से जल्दी से स्टूडेंट्स आंसर दीजिए यहां पर ओके वेरी वेरी गुड ओम कुमार द करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है कब स्टूडेंट फॉर्मेशन तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है जैसे ही जैसे ही स्टूडेंट्स जाइगोटीन एंड पैकीटीन यस yes, सर जी वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड दैट द फॉर्मेशन विल स्टार्ट इन द जाइगोटीन फॉर्मेशन विल स्टार्ट इन द जाइगोटीन दैट इज दिन स्टूडेंट ये तुम्हारा क्लियरली विजिबल कब होगा क्लियरली विजिबल होगा इन द पैकिटीन ओके सो डू बी है सो यहां थोड़ा उल्टा हो गया है ठीक है सर आंसर यहां पर थोड़ा उल्टा दे दिया गया है तो इसका आंसर होगा कि फॉर्मेशन स्टार्ट इन द जाइोटीन एंड दिस विल बी विजिबल इन द पैकिटीन ओके सर अब कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है

पिक द एंसर नाव स्टूडेंट पिक द एंसर हेयर वेरी वेरी गुड सर नाइस एंसर तो सर यह काम होता है एना फेज वन ऑफ द मियोसिस में एना फेज वन ऑफ द म्यूसिस में स्टूडेंट्स याद देखिए कि किसी भी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं होती है लेकिन अगर स्प्लिटिंग के बारे में पूछा होता तो याद रखिए इन दोनों फेजेस में स्प्लिटिंग होता है इन दोनों फेजेस में स्प्लिटिंग होता है दैट इज ऑफ माइटोसिस में भी और एना फेज टू ऑफ द मियोसिस में भी स्प्लिटिंग विल बी टेकिंग प्लेस ठीक है ओके चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखिए इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द द्रोमोजोम्स आर बाई वैलेंट दैट इज कंपोज ऑफ टू क्रोमैटिक्स दैट इज कंपोज ऑफ टू क्रोमैटिक्स आपको बताना है कि किन किन स्टेज में ऐसा होता है किन किन स्टेजेस में स्टूडेंट्स ऐसा होता है चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए स्टूडेंट जल्दी जल्दी मेरे को इसका आंसर बताइए वेडिंग फॉर योर आंसर से ओके वेरी गुड सर सो यू विल सी सर कि प्रोफेज प्रोफेज में तो पक्का और पक्का ऐसा रहेगा दो क्रोमेटिट रहेगा मेटाफेज में भी पक्का और पक्का ऐसा रहेगा एना फेज में हो सकता है कि स्प्लिटिंग हो जाए अगर वो माइटोसिस वाला है तो स्टूडेंट्स इस कारण से वहां पर ये ऐसा हो जाएगा तो वैसे केस में टीलो फेज में भी वो वैसे ही रहेगा सो वी आर श्योर अबाउट द प्रोफेज एंड द मेटाफेज वी आर श्योर अबाउट द प्रोफेज एंड द मेटाफेज ठीक है ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर हेर ना लेट्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन गो फॉर दिस टू observe द काजमाटा टू observe द काजमाटा एंड टर्मिनलाइजेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द meiosis वुड बी चलिए जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दीजिए स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट फेज कौन सा रहेगा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट फेज कौन सा रहेगा इफ यू वॉन्ट टू स्टडी वट्सअप कायजमाटा यू नीड टू ऑब्सर्व एंड इफ यू नीड टू ऑब्सोर्व द टर्मिनलाइजेशन ओके वेरी वेरी गुड सर सो अगेन तो देखिए कायजमाटा जो कि एक एक्स से ठीक है दिखने लगेगा यह आपको दिखने लगेगा ड्यूरिंग द डिप्लोटीन फेज एंड फाइनली जो ये कायजमाटा है यह टर्मिनल एंड की तरफ मूव करना शुरू करता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनलाइजेशन दिस टेक्स प्लेस इन द एंसर बी थर्ड नंबर थर्ड नंबर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स सी द म्यूसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस इन सभी इवेंट्स को स्टूडेंट आप एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेन्ज कर दीजिए अरेज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मीओसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या चलिए तो क्या होगा सबसे पहले होगा सबसे पहले होगा ठीक है वीनेप्सिसन विल टेक द क्रॉसिंग ओवर वंस द क्रॉसिंग ओवर प्लेस देन विल टेक द

स्टूडेंट्स so, अब आप आराम से अरेन्ज कर सकते हैं इसे द एंसर विल बी द सेकेंड नंबर ओके सर वेरी वेरी गुड लेट्स पिकअप द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स पिकअप द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर द साइक्न इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल ऑब्वियस है द साइक्न इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल विच अदर मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर द कंप्लीसन ऑफ दिस सेल साइकिल ठीक है सर बताइए सर साइक्लिन के साथ किस दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द सेल साइकिल टू कंप्लीट द सेल साइकिल कम ऑन कम ऑन बी क्विक एवरीबडी कम ऑन बी क्विक एवरी वन वेडिंग फॉर योर एंसर्स वेडिंग फॉर योर एंसर्स चलिए क्विक डन डना डन डन एवरी वन ओके सर वेरी वेरी गुड so this is going to be the cdk what is this cdk cdk is the cyclin dependent kinase okay the cyclin dependent kinase this is what you are going to require sir very very good sir now let's see again the next question the phase of the cell cycle when the dna polymerase is active kiss phase may डीएनए पॉलीमरेज आपका एक्टिव होता है द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेन द डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव वेटिंग फॉर योर रिप्लाई वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ओके उमेश कुमार एट करेंटली वी सम अदर क्लास ओके ओके सर सो देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा डीएनए रेप्लीकेशन करेगा ऑब्वियस है

कहां पर सेल प्लेट फॉर्मेशन किसके साइटोकाइनेसिस पे होता है किसके साइटोकाइनेसिस पे होता है हमारा ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन ओके सर तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन दैट प्लांट्स जब प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है फ्रॉम द फ्रेग्मो ओके लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट वन है ओके तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज द द एंड ऑफ़ दुडेज क्विज तो क्विज स्टूडेंट्स आप लोग मेरे सारे क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं ऑन अकेडमी स्पेशल क्लासेस आल्सो जो कि मैं हर रोज टू पीएम पे लेता हूं और स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब हम लोग मिलते हैं ऑन थर्सडे एंड ऑन स्टूडेंट्स सैटरडे जो ये कमिंग थर्सडे होगा दैट विल बी 9:30 थर्टी पी एम वी आर गोइंग टू हैव द टॉपिक एनिमल किंगडम सो गेट प्रिपेयर एनिमल किंगडम बहुत दिनों से हम लोगों ने एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप लोगों के पास चार दिनों का समय है सर गेट प्रिपेयर विदिमल किंगडम ओके कंप्लीट एनसीआर को पूरे अच्छे से प्रिपेयर करे और थर्सडे को जरूर मिलेंगे स्टूडेंट उसे भी अटेंड किया कीजिए जो कि की मैं हर रोज लेता हूं एट टू पी एम ओके वहां पर भी हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं होप एवरीबडी इंजॉयड द टुडे सेशन थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस ओके सर बायरीवन थैंक यू